सुशांत सिंह राजपूत अपने जीते जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ये काम जुड़ा हुआ था स्पेस कैंप यूएसए से। स्पेस कैंप यूएसए एक ऐसी संस्था है जिसे 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये दुनिया भर से बच्चों को नासा लेकर जाती है ताकि उन्हें एक एस्ट्रोनॉट वाला फील दे सके, एक्सपीरियंस दे सके और उन्हें इंस्पायर कर सके कि वो एस्ट्रोनॉट बने। और इसी संस्था के साथ जुड़कर सुशांत सिंह राजपूत कुछ बच्चों को स्पेस स्टडीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक स्पेस कैंप जो होता है उसको अटेंड करने के लिए भेज रहे थे। एक 28 अक्टूबर 2017 का ट्वीट है जिसमें स्पेस कैंप यूएसए ने सुशांत को थैंक्स कहते हुए लिखा है, थैंक्स टू हैशटैग सुशांत फॉर एजुकेशन एंड इट्स SSR फॉर सेंडिंग दीज ग्रेट स्टूडेंट्स टू स्पेस कैंप यूएसए। तो कितना अच्छा काम है ये कि आप कुछ बच्चों को मदद कर रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकें और भविष्य में आगे जाकर वो कुछ ऐसा पढ़ सकें, सीख सकें, जान सकें। मुझे लगता है कि इससे इंस्पिरेशन लेकर आप सब लोग भी, हर किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि आप किसी को नासा या स्पेस स्टडीज के लिए भेजें, लेकिन अगर आप अपने घर में काम करने वाले किसी भी मेड के सर्वेंट के लिए अगर आप उनके बच्चों की 1-2 महीने की फीस दे सकते हैं, 6 महीने की फीस दे सकते हैं, उनके लिए कुछ बुक्स अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए टैबलेट या कंप्यूटर अरेंज कर सकते हैं, किसी भी स्तर से काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत से ये इंस्पिरेशन लेकर करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी निगेटिविटी हमारे आसपास ऑलरेडी है, लेकिन हमें फिर भी अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो रिवोल्यूशनरी फिगर हमारे हमारे टाइम में हुई है, मुझे लगता है कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत जैसी पर्सनैलिटी को अपने बीच देखा। बदकिस्मती से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी मौका है उनसे बहुत कुछ सीखने का। वो जो कुछ करके गए हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी सच्चे SSRian हैं तो उनसे सबक सीखकर अपने आसपास जो भी बच्चे हैं जिनको जो ज़रूरतमंद हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी अपने स्तर से मदद कर सकते हैं। ये ट्वीट आप जाकर ज़रूर देखिएगा, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर किसी तरह से भी बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है या कम है, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम SSR की जो क्वालिटीज़ थी उनसे सीख कर इस समाज में थोड़ा बहुत बदलाव लाना शुरू करें।